जय हिंद दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप इनटेक 02/2020 के बारे में और वही फेज़ टू के बारे में। ये जो फेज़ टू का रिव्यू मिल रहा है 5 दिसंबर न्यू दिल्ली और आपका 2 ASC का है गाइस, ठीक है 2 ASC न्यू दिल्ली है तो उसका रिव्यू आपको मिल रहा है। और शुभम राय ने यहाँ पे शेयर किया तो शुभम राय को दिल से धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेसन यहाँ पे जो ये क्लियर कर चुके हैं फेज़ टू। तो गाइज A to Z प्रोसेस जानेंगे, जो भी आपका प्रोसेस हुआ वहाँ पे कितने बच्चों को बुलाया गया था, कितने आपके यहाँ पे प्रेजेंट थे अनफिट हुए यानी इसके अंदर फेज़ टू में आउट हो गए हैं और आपका GD में आउट हुए हैं और कितने बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया गया। तो बिना अपने समय गवाए अपने गाइज शुरू करेंगे, A to Z प्रोसेस जानेंगे। तो इन्होंने कहा सर हम अपना रिव्यू शेयर करना चाहते हैं दिल्ली का, तो हमने कहा A to Z प्रोसेस है वो शेयर कर दीजिएगा। तो टोटल जो रिपोर्टिंग की बात करें वहाँ पर इन वीच अप्रोक्स 20 वर एबसेंट, 285 कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग थी तो 200 आपके यहाँ पे 20 बच्चे हैं मतलब एबसेंट थे गाइस, ठीक है 285 यानी 265 बच्चों की रिपोर्टिंग कर पाए टोटल दोनों, जैसे अपने टोटल माने 265 बच्चों के अप्रोक्स है ये थोड़ा सा, ठीक है 265 डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप है, 265 को 265 बच्चे हो गए तो 265 बच्चों को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया। देन उसके बाद में रनिंग ट्रैक पे ही थी यानी वो लास्ट में मैं बताऊंगा आपको, उन्होंने कुछ अलग टिप्स दिए हैं आपको जो क्या रूल फॉलो करना है बच्चों के साथ। तो सभी कैंडिडेट्स इसको ध्यान से देख लेना, जो भी प्रोसेस है A to Z देखोगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो रनिंग है वो ट्रैक पर ही हो रही है सबसे पहले, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और ट्रैक लगभग 1500 से 1550 मीटर का ही है, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी खबर है यानी 100, 50 से 100 मीटर का आपके लिए फ्री में आपको मिल रहा है, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। रनिंग स्क्वेट्स पुशअप सीटअप्स में टोटल 75 आउट हो गए। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में बच्चे हैं वो आउट हो चुके हैं, रनिंग स्क्वेट्स और सीटअप में बच्चे बहुत ज़्यादा आउट हुए हैं यानी 75 बच्चे यहाँ पे ही आउट हो गए 265 में से यानी बचे अब आपके 190, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा और इसके बाद में फिर 190 को पहले ही DFT दिया और फिर SRT हुआ। 190 बच्चे बचे, 190 बच्चों में से क्या हुआ उनका, 190 में से आपका SRT और DFT हुआ, इंग्लिश वाला टेस्ट और जो आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यानी साइको टेस्ट है। SRT और DFT में टोटल 5 ही कैंडिडेट फेल हो पाए। तो गाइज ये भी बड़ा दुर्भाग्य रहता है यहाँ पे जो बच्चे फेल होते हैं, चलो पहली बार अटेम्प्ट में होना उनको पता नहीं होता है, कई बार किसी कारणवश भी फेल कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है और किसी भी आपको किसी भी जो बुक मिलता है पेपर मिलता है उस पर आपको कोई भी पेंसिल वगैरह किसी भी से मार्क नहीं करना है कुछ भी। और GD में फाइनल 185 बच्चे बचे, ठीक है GD के लिए, तो उसमें से क्या है 12 ग्रुप बने और 81 गोट मेडिकल अपॉइंटमेंट, 12 ग्रुप बने थे उसमें से 81 को मेडिकल के लिए जो आपका लेटर है वो मिल चुका है GD में। मेरे बेंच में से 15 में से 6 हुए हैं, 15 में से 6 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं गाइस। जो GD में अच्छे इंग्लिश बोल रहा है उसको उसे बोल रहा है यूज का हुआ है उसी का हुआ है, ठीक है। खास तौर पे इंट्रो में फाड़ देना है, मतलब इंट्रो में फाड़ देना है, इंट्रोडक्शन देने के लिए योर GD टॉपिक बताए हैं इंट्रोडक्शन डिसाइडेड, यानी इंट्रोडक्शन में ही अच्छी तरीके से धांसू तरीके से बोलना है ताकि CO साहब को लगे कि बच्चे की इंग्लिश एकदम अच्छी तरीके वाली है और जो टॉपिक बोला है उस टॉपिक से ही आपको रिलेटेड बोलना है, आउट बिल्कुल भी नहीं जाना है कहीं पर भी और एक दूसरे बच्चों की बात भी नहीं काटनी है, ये भी ध्यान रखना है। और ऐसे भी मत रह जाना कि आप बोलो ही नहीं और अदर वाले अपने दूसरे की बात काटते रहें, तो ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और इन्होंने जो बहुत सारे टिप्स दिए हैं इसके बारे में पूरी तरीके से जानेंगे। तो जो GD टॉपिक आए हैं वो देखिए गाइस, मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी और नोट, तो इस बात में मिलिट्री जो ट्रेनिंग होती है कंपलसरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सोशल मीडिया और वोटिंग था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आ रहे हैं गाइस, जो ट्रेंडिंग के टॉपिक भी आ रहे हैं और बहुत सारे हैं। रनिंग में जब आप देखें कि जब मोर आ गया है फील्ड वाला तो बूस्ट कर दें, ठंड ज़्यादा थी और बहुत बच्चे ठंड के कारण दौड़ नहीं पा रहे थे, GD हार्ड हो रही है, ठीक है गाइज यहाँ पे बोला है तो देखिएगा आप ध्यान से रहिएगा और यहाँ पे ठीक है और से काम नहीं है चलेगा, कांटेक्ट होना चाहे ठीक है, ब्लाइंड से आपका क्या है ब्लाइंड से काम नहीं चलेगा, इन्होंने ब्लेन से काम नहीं चलेगा यहाँ पे गाइज लिखा है, कांटेक्ट होना चाहेगा, ठीक है मतलब अच्छी तरीके से आई कांटेक्ट सब कुछ यहाँ पे A to Z जो प्रोसेस है उसको आपको ध्यान में रखना है, जो आपको पहले मैंने टिप्स दिया हुआ है तो उसको फॉलो करना है। सर और कुछ तो इन्होंने सब कुछ शेयर कर दिया है और इनका जो यहाँ पे मैं तस्वीर दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से, तो इनका जो 71 है गाइज ठीक है, यहाँ आपका 17 नंबर है, यहाँ 71 तो ये 17 हो जाएगा, ठीक है। चेस्ट नंबर दिया गया है ASC 2 और AF यहाँ पे दिया गया, ये लिखा हुआ है ठीक है, ASC 2 लिखा हुआ है नीचे तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये इतना ही दिखाई देगा गाइज यहाँ पे ठीक है।
तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं गाइज, जो एक और तस्वीर भी इनकी और दिखा देता हूँ, इन्होंने शेयर की थी। तो गाइज ये जो तस्वीर है ना, ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, जो यहीं पर आपकी रनिंग होने वाली है, जो यहाँ पे खड़े हैं ना शुभम, तो यहीं पे आपकी जो इनकी रनिंग होने वाली है, ठीक है शुभम भाई, जो यहाँ पे खड़े इसी रोड के ऊपर आपकी रनिंग होगी, ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स खड़े हैं इनके साथ, जो आए हुए हैं कोई वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं जैसे यहाँ पे कुछ, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। और मैं इनका पूछा कि बारहवीं का जो एडमिट कार्ड है वो नेसेसरी है या नहीं है, तो जी सर नहीं है, तो इनका नहीं है। और मैंने इनका नाम जान लिया था, शुभम राय सर हैं, और राय है इनका, ठीक है, और उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हमने इनको बधाई दिया। और गाइज यहाँ पे मेडिकल कब है, मेडिकल के बारे में जान लेते हैं, इनको मेडिकल है वो 20 जनवरी को है, और पालम न्यू दिल्ली के अंदर ही है। आई रिपीट PFT आसान है और GD हार्ड है, अच्छी इंग्लिश होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख लीजिए गाइज। और मैंने कहा इनको कोई और मैसेज देना चाहिए कैंडिडेट्स को, तो मैसेज दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन में फाड़ दो, वहीं 1 मिनट डिसाइड करेगा, एनर्जेटिक वॉइस में बोलना है। गाइज मैंने आपको बोल दिया है धांसू तरीके से इंट्रो पेश करना है, अपना जो इंट्रो देना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में अपना धांसू तरीके से पेश कीजिएगा इंग्लिश के अंदर, एकदम बढ़िया वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 मिनट में वही डिसाइड करेगा। इन्होंने बताया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, हर AC का अलग अलग और अलग अलग CO साहब का अलग अलग रुख रहता है हर तरीके से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक्स सर, योर वीडियो हेल्प्ड मी अलॉट, तो गाइज इन्होंने धन्यवाद दिए, हमारी वीडियो से इनको हेल्प मिली, तो गाइज हम भी आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, आप धन्यवाद के पात्र हैं, हम तो एक एक माध्यम है, उसके जरिए हम आपको ये सूचना पहुंचाते हैं, आप जैसे कैंडिडेट्स हमारे पास जुड़ते रहेंगे और ऐसी इन्फॉर्मेशन मतलब भेजते रहेंगे, तो हर तरीके का जो कैंडिडेट्स के पास है क्या, तो जहाँ पर मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो जाती है, सभी का हेल्प हो जाता है, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं रनिंग होगी। तो यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया था, इसी जो रोड है इसी पे आपकी रनिंग होने वाली है गाइज, तो ये जो ट्रैक वगैरह कुछ भी देख लीजिएगा, तो यहाँ पर यही सीन है, ठीक है। तो गाइज ये आपके साथ रिव्यू शेयर कर दिए हमने, और जो कैंडिडेट्स ने और भी कैंडिडेट्स अपना रिव्यू शेयर करना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया के लिंक दिए गए हैं, और व्हाट्सअप नंबर मैं बता देता हूँ, आपके 8239170356 पे आप रिव्यू शेयर कर सकते हैं, और जो भी सोशल मीडिया के लिंक है सभी की सभी डिस्क्रिप्शन में है, रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइज। अभी आपके लास्ट बस एंड होने वाला है, 1 और 2 दिन आपके और होने वाले हैं, इसके बाद में कोई भी आपका ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कोई भी आपका डाउट या सुझाव हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, आपको वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा गाइज, और आपके लिए बेहतर से बेहतर अपडेट लेकर हम आते रहेंगे। और आपको किसी भी प्रकार से कोई भी हेल्प चाहिए या कोई जिस प्रकार से आपको समस्या है उस पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके दौरान भी आपको वो अच्छी वीडियो मिलेंगे। तो गाइज चैनल को जरूर से रेड कलर वाले बटन को सब्सक्राइब करना है, और साइड में दिख रहे घंटे के निशान को भी प्रेस करके ऑल वाले पे क्लिक करना है। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सभी को बेस्ट ऑफ लक।